નવસારીની મુલાકાતે આવેલા કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રભારી રઘુ શર્માએ આમ આદમી પાર્ટીને લઈને પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં નામ લીધા વગર વરસાદ પડે ત્યારે દેડકાઓ બહાર આવે છે અને ચોમાસું પૂર્ણ થતા પરત જતા રહેશે તેવું કહી આડકતરી રીતે આપના ઉપર પ્રહારો કર્યા હતા. નવસારીની મુલાકાતે આવેલા કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માએ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ સાથે વિધાનસભાની ચૂંટણી લક્ષી ચર્ચા વિચારણાઓ કરી હતી. જ્યારે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેમણે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના વિષય ઉપર સવાલો પૂછવામાં આવતા તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે વરસાદ પડે ત્યારે દેડકાઓ બહાર આવે છે અને ચોમાસું પૂર્ણ થતા પરત જતા રહે છે તેવું વિધાન કર્યું હતું. જોકે રઘુ શર્માની આ ટિપ્પણી બાદ આમ આદમી પાર્ટી સાથે વાકયુદ્ધ છેડાયું છે. हाँ उसको ऑपरेशन लो. अरे भाई ये तो सब जगह नई बात नहीं है. जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ इनकी सरकार बन रही है. जहाँ इनकी विपक्षी पार्टी की सरकार बन गई कर्नाटक में सरकार गिराई तो कोई पूजा पाठ करने से तो सरकार गिरती नहीं है. फिर मध्य प्रदेश की सरकार गिराई वो भी कोई भजन कीर्तन से नहीं गिरती है. ये लगातार राजस्थान में आए थे हमारी सरकार गिराने, गिरा नहीं पाए. अभी आम आदमी पार्टी वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं. झारखंड की सरकार गिराने के लिए बैठे हैं. महाराष्ट्र की सरकार ताज़ा ताज़ा अभी यहीं से सूरत से सर्जरी हुई, गिराई गई. ये कौन कर रहा भाई? जहाँ जीतो नहीं वहाँ पैसे के दम पे आप सरकार गिरा दो. डेमोक्रेसी का एकजुट क्यों नहीं रह सकती, बिक क्यों जाते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, जिस आदमी ने पैसा ही नहीं देखा हो जिंदगी में, एक नया कल्चर बीजेपी ने दिया है. इतनी बड़ी तादाद में पैसा मिल रहा है तो कोई मतलब आप मेरे को बताइए कानून क्या कहता है कि जितना बिकने वाला दोषी है उतना ही खरीदने वाला दोषी है? तो दोस्तों दोनों तरफ से हो रहा है. मैं मानता हूँ कि कुछ लोग बिकते हैं लेकिन बिकने वाले लोग खरीदता कौन है भाई? बीजेपी खरीद रही है. जा कहाँ रहे वो लोग? बीजेपी में जा रहे हैं. तो ये 14 से पहले तो नहीं जा रहे थे बीजेपी में, ये 14 के बाद में क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? सुखराम राठवा को ऑफर किया गया था 50 करोड़, आप क्या कहेंगे? ये किसी को ऑफर कर सकते हैं? इनके पास अकूत संपत्ति है. 2014 के बाद में देश का कोई जिला, 550 जिले हैं पूरे देश में जहाँ 20-25 लाख का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं बना हो. दिल्ली का इनका कार्यालय 7-स्टार होटल है. ये पैसा आ कहाँ से रहा ये तो सब जानते हैं. विधानसभा में कांग्रेस का क्या रहेगा, रिपीट या नो रिपीट? हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे. नहीं, और जो विधायक रिपीट होंगे या देखिए इसके बारे में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी और हमारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी वो तय करेगी क्या मापदंड होंगे. लेकिन फार्मूला जो मेरे नज़र में है पब्लिक लाइफ में, विनेबिलिटी इज़ द ओनली फार्मूला. जीतना ही सबसे बड़ा फार्मूला है. हमारे लोग लगे हुए हैं, हर विधानसभा में लोग हैं, हमारे AICC सेक्रेटरी हर जोन में है, हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक एक सीनियर आदमी अभी काम कर रहे हैं. सबकी रिपोर्ट और जो रिपोर्ट आएगी कि जीतने वाला है हम उसको देंगे. भारतीय जनता पार्टी तो एक बात बताइए मेरे को, नहीं नहीं ये बंदूक की नोक पे तो ये हासिल किया जा सकता है 182 का? लोकतांत्रिक तरीके से तो संभव नहीं. पिछली बार क्या कहा था इन्होंने, 2017 का याद करिए आप, इनका 150+ बीजेपी बोला था ना. ये तो मीडिया वालों से ज़्यादा कौन जानता है. आई कितनी? बिलो 100. आप जिस तरह सक्रिय हो रहे